Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Have a nice day. Thank you, sir. सर हाँ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस 3 घंटे 10 मिनट चला सर. अरे पूछ मत यार चंदू, सिर्फ सुनना था क्लाइंट को. बैठ बैठ के कमर अखड़ गई. हेलो है, ओके ओके सर. ये झूठी स्माइल करके ना चेहरे के मसल्स दर्द करने लगे. माजे पन सर. राजेश सर ये आपका फोन चार्जिंग पे था. हाँ. वो कब से ऐसे डर डर वाइब्रेट हो रहा था. अथर्व के साथ मिस कॉल है. कॉल अप अर्जेंटली डैडी. हाँ अथर्व बोलो बेटा. डैडी यहाँ पे क्या? हेलो अथर्व क्या हुआ? अब प्लीज जल्दी. अथर्व हेलो. अथर्व अरे सखी सर सब ठीक तो है ना? हाँ अरे अथर्व का फोन था कट गया. अभी फोन नहीं उठा रहा है. सखी को ट्राई कर रहा हूँ तो वो भी फोन नहीं उठा रही. सर आप टेंशन मत लीजिए, अब हमारी सखी न्यूज चैनल में इंटर्न का जॉब करती है. शायद वो भी मीटिंग में होगी और उसने अपना फोन साइलेंट करके बाहर छोड़ दिया होगा. सिंपल. बंदू का फोन स्विच ऑफ आ रहा है. अरे क्या हुआ राजेश सर, सब ठीक तो है ना? हाँ आई डोंट नो. हाँ अच्छा मैं जरा निकलता हूँ घर के लिए. दासानी ऑफिस बंद कर लेना क्योंकि वो जगन भी छुट्टी पर गया. राजेश सर रिलैक्स, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा. हम तीनों यहाँ लेट तक रुकने ही वाले. हाँ हाँ सर. और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें फोन कीजिएगा सर. आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो. आई नो बंदू का फोन ही नहीं लग रहा है राजेश. अरे तिवारी अंकल ऐसे नहीं होता है. ये देखो ये सीजर है और ये रॉक है. ठीक है इनमें से हैवी क्या है? रॉक सीजर से कैसे कट सकता है? ये होता है पेपर जो कि पेपर सीजर से कट. ओ विद्युत अथर्व कहाँ? पता नहीं अंकल आज वो नीचे खेलने भी नहीं आया. अच्छा रुकिए आपसे जरूरी बात करनी है. हाँ. एक मुद्दे पे आई नीड योर सपोर्ट. I need your vote. वरना वो पंडित जो है वो देखिए देखिए मेरे पास अभी टाइम नहीं, हम बाद में बात करते हैं. अरे रुकिए CCTV कैमरे की जो AMC है. मैंने कहा आपसे मैं बाद में बात करता हूँ. प्लीज डॉक्यूमेंट चल रही. अरे रुकिए तो ऐसे वक्त पे चाबी ली. अथर्व डैडी आ गए. राजू डैडी आपको पता है मैंने इंट्रा सिटी गेमिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीता तो मुझे ये कंसोल मिला. यस मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये फर्स्ट प्राइज मिला, पर जिस तरह से फोन करके तुमने मुझे यहां बुलाया क्या वो ठीक था? राज क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो अथर्व पे? क्या किया इसने? बताओ. मैंने डैडी को मैसेज भेजा कि कॉल मी अर्जेंटली. फिर जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने बोला कि जल्दी घर पे आ जाओ और फोन काट दिया. फिर उन्होंने दोबारा कॉल किया, मैंने उठाया नहीं. क्या तरीका ये? हाँ बहुत ही गलत बात है अथर्व. और तुम्हारा फोन भी अनरीचेबल था. मेरा फोन क्यों अनरीचेबल होगा? मुझे क्या पता. मैंने एरोप्लेन मोड पे डाल दिया. अथर्व क्यों किया ऐसे? हाँ तुम्हें पता है अथर्व मैं कितना घबरा गया था? कैसे गाड़ी चलाकर यहां पहुंचा? मुझे पता अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो.
बहुत ही गंदी हरकत है ये अथर्वा, क्या जरूरत थी सब करने की? हाँ वो भेड़िया आया की कहानी सुनी है ना तुमने कल को? एक्चुअली अगर घर में कोई सिचुएशन होगी और तुम मुझे फोन करोगे तो मुझे तो यही लगेगा ना कि ये तो मजाक कर रहा है। I'm sorry, Daddy, पर आपसे बात करने के लिए ऐसी तरीके ढूंढने पड़ते हैं, आप पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहते हो। Hi, everybody! क्या हुआ डैडी, आपके दो मिस कॉल्स लगे, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, देखो मुझे वो मिला फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज मिला तो सैड क्यों है? मैं बात करता हूँ उससे। मैं एक मिनट, तू नहीं बात करेगा। बंधु जा अथर्व को समझा जा। मैं भी जाती हूँ। क्या राजू? मम्मी प्लीज अब आप ये मत कहिए कि मैंने बिना बात के डांटा। अगर डैडी की जगह मैं होती ना तो इसे और डांटती। ये क्या बेवकूफ वाली हरकत है, ऐसे प्रैंक करते हैं? दीदी डोंट बी सो चैन, मुझे ना ऑलरेडी बहुत गिल्टी फील हो रहा है। अच्छा गिल्टी फील हो रहा है? हाँ गिल्टी फील हो रहा है तो ऐसे अंदर क्यों आ गए तुम? डैडी से ये क्यों कहा कि आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है, आपसे बात करने के लिए हमें ऐसे तरीके ढूंढने पड़ते हैं? हाँ व्हाट ये कहा तूने? सीरियसली अथर्व जितना तू बड़ा होता जा रहा है ना उतना ही रूड होता जा रहा है। तो मैंने गलत क्या कहा? अच्छा एक बात बताओ, पिछले 2 महीने से डैडी कब घर 9 बजे से पहले आया? और लास्ट वीकेंड वो तो पूरा टाइम ऑफिस में ही थे। अथर्व डैडी ये सब हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। दीदी आपका फ्यूचर सेट हो चुका है और मेरा भी हो जाएगा, इट्स हाई टाइम उनको एक ब्रेक लेना चाहिए। राजू तुझे याद है स्कूल में ना तू 7-8 साल का होगा उस वक्त तुझे संगीत कॉम्पिटिशन में ना पहला प्राइज मिला था, याद है तुझे? वो पीतल का टिफिन बॉक्स। हाँ टिफिन बॉक्स गया था प्रेजेंट। तू ना ये बात तेरे पापा को कब से बताने की कोशिश कर रहा था, तू उनकी राह देख रहा था दिन भर और वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो इतना गुस्सा हो गया था तूने वो टिफिन बॉक्स से जमीन पे फेंक दिया था। इतना बड़ा टेंट आया था उसमें था क्या? वो टिफिन बॉक्स अभी तक मैंने रखा हुआ है संभाल के। तेरे पापा वो टिफिन बॉक्स देखते ना तो हमेशा कहते अधिका कुछ भी हो जाए लेकिन अपने परिवार को ना समय देना बहुत जरूरी है। देखा थर्मा ऐसा तो है नहीं कि वो हमें टाइम देना नहीं चाहते, हाँ अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाएं, अपने ऑफिस को सफर करने दें, काम पूरा ना करें, इस तरह के इंसान नहीं है। तुम भी नहीं चाहोगे ना कि डैडी इस तरह के इंसान बने, राइट? देखो उन्हें गिल्टी फील कराने के बजाय जरूरी है कि इस वक्त हम उनका सपोर्ट सिस्टम बने। एग्जैक्टली अथर्व, डैडी बचपन से हमारा सपोर्ट सिस्टम रहे है, अब हमें उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है। देख फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए तो उतना बड़ा नहीं है लेकिन इमोशनली सपोर्ट कर ही सकता है ना। डैडी आई एम सॉरी। नहीं बेटा आई एम सॉरी, मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैं बहुत कम समय दे पा रहा हूं फैमिली को। सो टू मेकअप फॉर द लॉस बोलो कहां चलना है? 2-3 दिन घूम के आते हैं सब लोग। हाँ ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, महाबलेश्वर, रो लेकर अलीबाग, हाँ बताओ यू गाइस डिसाइड एंड टेल मी। सोच हाँ लेकिन प्रे करना कि ऑफिस में कोई क्राइसिस ना। एक्चुअली चलो शो में दोनों खेलते हैं। चल कम ये चंदू क्या कर रहा है, रुक जा दासानी अंदर स्टोर रूम में अभी। मतलब मैं लाइट बंद करूंगा
तो दासा ने एकदम से डर जाएगा ना। आई नो तरी डर जाएगा। पूरा अंधेरा होता है तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है। हंस मत। दासानी जल्दी करो भाई, 10:40 की लोकल छूट जाएगी। अरे रुको, 2 मिनट आ रहा हूँ यार। वो मिनट, 2 मिनट इसका है? क्या है? ये चंदो, लाइट ऑफ करेगा ना तो बाहर आके बहुत पीटूंगा तुझे। ऑन कर लाइट। हाँ दासानी, 1 मिनट। चंदू चंदू, अभी तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, बाहर आके मारूंगा तुझे। अब क्या कर दिया मैंने, एक ही बार तो लाइट बंद की। चंदू क्या कर रहा है तू? ये ना भट्टू है। 1 मिनट मैं आता हूं। जा देख तो। क्या कर रहा है तू? क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं कर रहा हूं मैं। ये आवाज़ें क्या निकल रहा था तुमसे? क्या, कौन सी आवाज? मार्फत जी, मार्फत जी आया। क्या कर रहे हो? क्यों डरा रहे हो? क्यों रहे? अब तुम दोनों मिलकर मेरी क्लास ले रहे हो ना? नहीं नहीं, चलो चलो, मजा आ रही है। ये तो इसीलिए मैम, कुछ भी हो जाए मुझे इस वीकेंड को फैमिली को बाहर लेकर जाना ही है। डोंट वरी मिस्टर वागले, आई प्रॉमिस यू इस वीकेंड आपको छुट्टी जरूर मिलेगी। और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं हैंडल कर लूंगी, और कोई भी आपको कॉल नहीं करेगा। ओके, थैंक यू। आइए। अभी तक डिसाइड नहीं किया, शायद महाबलेश्वर होगा अलीबा को। ओ, ये क्या हो रहा है चंदू? कैसे करो, क्या हुआ? सर, मैम, हम लोग आप ही का वेट कर रहे थे, हमारे स्टोर रूम में खतरा है। खतरा? हाँ, बुरा साया। ए, चुप रहे, कुछ भी मत बोल। सर ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। हाँ। भयानक हंसी, ऐसी हंसी जो आपके शरीर के रोंगटे खड़े कर दे। हाँ। ऐसी हंसी जो शरीर को अंदर तक चीर दे। हाँ। ऐसी हंसी जो दिमाग की नस को। बस बस हो भाई, बस मेरी नसें फटेंगी अभी तुम्हारी बातें सुनकर। अब दोनों चुप रहो। मार्फतिया जी, आप बताइए। आई नो। अरे आई डोंट नो। सर, हम तीनों ने सुनी है वो हंसी, स्टोर रूम से आ रही थी। अरे 1 मिनट। नहीं 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 सर, सर आप अंदर मत जाइए, पहले किसी बाबा को बुलाइए सर। अरे व्हाट नॉनसेंस चंदू, दिखा हमें कहां से आवाज आ रही है। पकड़ रहे। अरे सर क्या है? अरे सर मत खोलिए, मत खोलिए सर, अंदर से भयानक भयानक आवाज आ रही है। नहीं मानेंगे ये सर। नहीं सर, मेरी जान पहचान। अरे जान पहचान में कौन है बाबू? अरे 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 सर उधर मत जाइए आप। अरे सर संभल के सर, भूत पिशाच निकट नहीं आ रहा। क्या है, क्या यहाँ क्या है? कुछ भी तो नहीं है। एग्जैक्टली, और तुम लोगों ने पूरा स्टोर रूम ही सील कर दिया। इतनी देर में कितना सारा काम हो सकता था। मैम आप हमारा यकीन कीजिए, यहाँ पे सच में कुछ है। हाँ। वो भयानक हंसी की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही है हमारे लिए। हाँ मैम, मैम
लोगों को जाकर जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान अरे आ जाओ पैकेट चेक करो एक एक सर लेकिन आवाज वो आवाज कहां से आ रही आवाज सर सर इसमें से आवाज आ रही है देखो क्या अंदर जो भी खिलौना होगा उसे बाहर निकालो ऑफ करो या बैटरी निकालो इसकी हाँ हाँ सर खोलता हूँ ओ क्या खोलता हूँ राजेश सर किसी का पैकेज खोलना अलाउड नहीं है हाँ सर वो भी तो राजेश सर ये पैकेट तो ऑलरेडी खुला हुआ है हाँ खुला हुआ हाँ ये तो फोन है सर मुझे लगता है जो हंसी की आवाज आ रही थी ना वो इस फोन की रिंगटोन होगी है नहीं नहीं इस पे वो बुरी आत्मा भी तो हो सकती है सर ओ कम ऑन मिस्टर दासानी कोई बुरी आत्मा वात्मा नहीं होती है इस फोन पर कॉल करके देखते हैं लेकिन इसका नंबर है क्या आपके पास दासानी मेरे पास फोन है इससे मैं मेरा नंबर डायल करूंगा और फिर जो नंबर आएगा ना उस पर रिडायल करूंगा ओके समझा मैं तो समझा तू समझा कपड़े सर वैसे भी ये डब्बा फोन है तो उसमें लॉक ऑफ का सिस्टम ही नहीं होगा सर पुराने जमाने का फोन तब सब कुछ कितना सिंपल हुआ करता था नहीं सर सर मैंने भी पहला फोन ऐसा ही लिया था कीपैड वाला मेरे पापा भी यूज करते थे गले में यस वो भी एक होता था यही है ऐसा नहीं अब बोल ये बुरी आत्मा की हंसी है क्या जो इस फोन से आ रही है ये तू ज्यादा मत बोला तू भी तो डर रहा था ना तेरी भी तो हालत पतली हो गई थी ना आई नो एक मैं ही था जो एकदम ऐसे सर शेर दिल था ओ शेर दिल आप तो रही नहीं दो आप तो लाइट ऑफ करने पर भी डर जाते हो इनफ इनफ गाइस क्लाइंट को इन्फॉर्म करो पैकेज डैमेज है रीपैक करो एंड प्लीज गेट बैक टू वर्क यस मैम मैं सब करवाता हूँ इनसे चलो काम पे लगो सर अब आप इस फोन को क्यों घूर रहे हैं इसमें कोई बुरी आत्मा नहीं है अजी सर चलिए ना फर्स्ट टी ऑफ द डे का टाइम हो गया है हाँ वो भी दासानी के लाए हुए फाफड़ा और कचौरी के साथ यस सर अभी गर्म है तो मजा आएगा चलिए चलो सर आइए सर चलो चंदू हाँ ये टीआरएन नंबर चेक करो और क्लाइंट को बोल दो कि ये एनवेलप फटा हुआ था सर 10 मिनट ये कचौरी ठंडी हो रही है और सर चाय भी अच्छा लेकिन फोन इसमें आया कैसे सर मुझे लगता है एनवेलप पैक करने वाला गलती से भूल गया होगा आई नो फोन अपने आप अंदर गया हो ऐसा भी तो हो सकता है ना सर वो भूत वाला एंगल अभी भी वैलिड है हा? क्या डर रहे हो रिंगटोन है फोन बज रहा है रिंगटोन हेलो कहाँ है तू कहाँ गया ऑफिस में हूँ अब आगे आगे चाय कचौरी फाफड़ा बोंगा बोंगा ये आपका फोन है भाई साहब हाँ आप मैं राजेश वागले पीटूपी मैक्स में मैं जनरल मैनेजर हूँ क्या ये जो आपका जो एनवेलप है ना वो एनवेलप फट गया था और उसमें से ये फोन बाहर निकला ओ हाँ वो मेरा फोन गलती से एनवेलप में छूट गया था मैं आ रहा हूँ आपके पास आप फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए वो क्या है कि उसकी बैटरी चली जाएगी हाँ ठीक है आप आपका नाम क्या है टोंकी
मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ आपके पास. हाँ ओके 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 थैंक यू. अरे 80% बैटरी है. रसी भी बोल रहा था कि 15 मिनट में बैटरी चली जाएगी. छोड़िए ना सर, चाय ठंडी हो रही है. हाँ सर खान. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.